जय महाराण श्राम चंडी, जय कुलदास समाज। कुलदास समाज में प्रचलित संज्ञा यानी कि उपनाम का मूल स्वरूप क्या है? कुलदास जाति में मान्यता है कि जो गांव का मुख्य है वह प्रधान, लकड़ी का काम वाला बढ़े, नदी में नाव चलने वाला माझी, पैसों का कारोबार करने वाला साहू आदि वर्ग यानी कि संज्ञा उपनाम में पहचाने जाते हैं। पर यह सब आदर्श सूचक शब्द धीरे धीरे जाति सूचक बन गया है, जिसका मूल स्वरूप संभवतः ऐसा नहीं था। यह सब उस समय की बात है जब संज्ञा का कोई मायने नहीं था। जिसको जैसा अच्छा लगता था या राजाओं से मिलता था वैसे ग्रहण किया करते थे। यह सब मरहट्टा और चौहान वंशीय राजाओं के आगमन के बाद पश्चिम उड़ीसा में काफ़ी परिवर्तन आ गया। यहाँ का जो क्षेत्रीय वर्ग थे ये अपना सैनिक धर्म निर्वहन करने के बजाय कृषि कर्म की और उन्मुख हुआ। राजा को टैक्स दे करके प्रजा के साथ रहना पसंद किया। अधिक से अधिक इन्होंने गांव का प्रमुख होना स्वीकार किया। संभवतः यही क्षेत्रीय वर्ग वर्तमान कुलदास जाति का मूल उद्रम है। प्रधान जैसे आदर्श सूचक संबोधन बाद में जाति सूचक बन गया। ऐसे ही खमारी, बुद्धिया, सा, प्रगतिया, साहू, माझी, बढ़े, सामल, राउत आदि कर्म के अनुसार जाति सूचक संज्ञा बन गया। अतः यह गवेषणा का विषय है कि कुलदास जाति में अप्रचलित 120 वर्ग संज्ञा यानी कि उपनाम का मूल स्वरूप क्या था।